मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर आलम। आप कहाँ से आए हैं? मैं एक्चुअली मैं झारखंड से रहता हूँ बट अभी दिल्ली ही रह रहा हूँ। बी ए पॉलिटिकल साइंस का पेपर का लेवल क्या था, डिफिकल्टी लेवल क्या था? इजी था, मॉडरेट था? मॉडरेट ही था, ज़्यादा ये नहीं था। मतलब पिछले साल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से क्या लगता है आपका? देखिए आप कट ऑफ का तो पता नहीं है वो कैसे 50-60 रहता है तो आपका क्या उम्मीदें हैं, क्या हो सकता है? हाँ मतलब एक्चुअली मैं हमारा कट ऑफ मैच कर जाता। प्रिपरेशन आपने कहाँ से की थी? प्रिपरेशन हमने ऑनलाइन करी थी, क्लासेस ऑनलाइन करी थी और गाइड वगैरह से पढ़ाई करी थी मैंने। जी जी ठीक है। मुरादाबाद। पेपर का लेवल क्या था, डिफिकल्टी लेवल? पेपर वॉज मॉडरेट, पेपर मॉडरेट था और 1.5 घंटे का टाइम मिला था, 100 MCQ थे, हिस्ट्री का भी था, रीजनिंग। व्हाट अबाउट योर प्रिपरेशन? गुड। कहाँ से किया था आपने प्रिपरेशन? मैंने सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी किया था, बिल्कुल। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या लगता है, पिछले साल की तरह 50-60 रह गया? हाँ अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहेगा। थैंक यू। ठीक है। मैंने आपकी लाइव देखी थी भैया। अच्छा लाइव देखी थी? जी जी, आप कल लाइव भी आए थे, मैंने देखा था आपको वीडियो में देखा। हाँ मैं स्टूडेंट, मैं यही पता चलता कि थोड़ा जो आपकी जो करंट अफेयर सीरीज, जो भैया की करंट अफेयर सीरीज चल रही है वो देख लीजिए, बहुत है सफिशियंट। मैं तो कहूँगा बहुत सफिशियंट चल रही है। मैंने वो देखा, मैंने स्टूडेंट इन्फो करके सर का यूट्यूब चैनल है, तो मैंने सर का GS का हो गया और फिर जैसे PYQ करंट अफेयर्स की जो सर का 15-20 क्वेश्चन का जो शेड्यूल चलता है 10-15 मिनट का, मैंने वो भी लगभग। मेरा नाम कुंदन है। कहाँ के रहने वाले हैं? सब बिहार समस्तीपुर। जी आपका पेपर कैसा हुआ? मेरा तो अभी मतलब संतुष्ट में गया, लेकिन जैसे होता ना कि देखे संतुष्टि मिली, बाकी तो कट ऑफ पे निर्भर है, बट हाँ जितना करा था। कि पेपर का लेवल कैसा था आपके हिसाब से, मॉडरेट था या हाई था? मॉडरेट कहूँगा मैं, क्योंकि जी। तो फिर आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी, सेल्फ स्टडी थी या किसी से गाइड लिया था? जी मैंने ज़्यादा तो सेल्फ स्टडी करी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते, इधर झूठ बोलना भी बहुत होगा कि सेल्फ स्टडी से ही हो जाएगा, लेकिन हाँ ज़रूरत पड़ती है अगर आप थोड़े डेली करंट अफेयर्स देखते हैं तो। मैंने कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? लाइक मैंने तो एक ट्रिक बनाई थी कि मैंने लाइक सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, बट लाइक उसमें तुक्का था, तुक्का ये था कि अगर मेरे 10 में से 3 भी सही जाते हैं, मतलब 3 नंबर हैं और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो मतलब एक नंबर प्लस हो जाएगा, एक नंबर प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने ट्रिक अपनाई, 10 में से 2 तो मैं इतना तो श्योर हूँ कि 10 में से 2 तो सही जाएंगे ही जाएंगे, बट हाँ मेरा तो क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से जो लास्ट ईयर जो कहते 50-60, क्या आपको लगता हो जाएगा? लाइक जनरल वालों का तो थोड़ा मुश्किल ही होता है, बट मुश्किल क्या है, 2-3 नंबर ज्यादा रहते हैं एक्सेप्ट होंगे या देखते हैं ऊपर वाले पे। हाँ पर मैंने अपना, आपने मतलब संतुष्ट है, पेपर संतुष्ट है, जो तैयारी की थी आपने कर दिया है? जी जी। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा कि अगर आपको जामिया के किसी भी कोर्स का एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो स्टूडेंट इन्फो चैनल का नाम है, आप इससे जुड़ सकते हैं। भाई आपका नाम क्या है? ऐसे मेरा नाम मोहम्मद रजी आलम है। आप रहने वाले कहाँ से हैं? ऐसे मैं भागलपुर जिला का रहने वाला हूँ, जो बिहार के स्टेट में पढ़ता जी है। जी जी। पेपर आपका कैसा हुआ? पेपर नॉर्मली रहा, ना ज़्यादा अच्छा रहा ना ज़्यादा खराब रहा, बीच में रहा। जी पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट था या हार्ड था? पेपर में बस रीजनिंग ठीक ठाक था जी, और फिर उसके बाद इंग्लिश भी 5-10 क्वेश्चन ठीक था, बाकी जितना भी और मतलब स्कीम हो गया ओवरऑल पेपर आपको हार्ड लगा? लेटेस्ट करंट जो है काफ़ी हार्ड पूछ दिए ओवरऑल, आपको पेपर हार्ड लगा? क्या लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से आपको हो जाना चाहिए? ऐसे तो हम तो मात्र 61 ही अटैम्प कर पाए, जिसपे मुझे लगा 70-80%, जो मुझे लगा कि नहीं हम ये सही बना सके, वही हम अटैम्प कर पाए। प्रिपरेशन आपने कहाँ से की थी? प्रिपरेशन ऐसे मैंने सेल्फ स्टडी, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे, उसी में GS रीजनिंग और फिर ये करंट अफेयर्स की बुक स्पेडी वाली ये सब पढ़ते थे। 12th आपने इसी साल दी थी? नहीं मेरा कुछ है इसी साल है। अच्छा अगर आपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि अगर आपको जामिया से किसी भी कोर्स की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है।